आगामी नववर्ष पर होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, क्लब, मैरिज हॉल में आयोजित तो होने वाले नववर्ष के आयोजनों पर आबकारी विभाग इस बार अपनी नजर बनाए हुए है। बिना अनुमति के होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मैरिज हॉल में परोसी जाने वाली अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए और अवैध मदिरापान करने वालों पर सख्त कार्रवाई विभाग द्वारा की जाएगी, जिसकी जानकारी जिला आबकारी अधिकारी ने दी। जैसा कि आप जानते हैं, ताज नगरी आगरा में नववर्ष का स्वागत एक त्योहार के रूप में किया जाता है। जगह जगह लोग नववर्ष पर आयोजन करते हैं। इसके साथ ही ताज नगरी आगरा में कई ऐसे होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल हैं, जहां पर बिना अनुमति के मदिरापान कराया जाता है। आबकारी विभाग ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करने का मन बना चुका है। जिला आबकारी आयुक्त नीरज कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश अनुसार सभी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब संचालकों को नववर्ष के आयोजन से पहले ही सूचित कर दिया गया है कि बिना अनुमति के मदिरापान न कराया जाए। उसके बावजूद भी अगर किसी भी संचालक द्वारा इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी विभाग के नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नववर्ष के मद्देनजर और 25 दिसंबर और 31 दिसंबर के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में 21/12/2023 से 4/1/2024 तक एक विशेष अभियान चल रहा है, किंतु आगरा जैसे जनपद में जहां नववर्ष एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 30 तारीख, 31 तारीख और 1 जनवरी को विशेष रूप से काफ़ी भीड़ होती है और जनपद में स्थित होटलों में, रेस्टोरेंट्स में या इवेंट प्लेसेस पर तमाम प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए एक विशेष आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत किया गया है कि ऐसे संस्थानों के जो स्वामी हैं उनको पत्र प्रेषित किया जा रहा है कि कोई भी यदि पार्टी आयोजित करते हैं जिसमें शराब परोसने का काम होता है तो विभाग के यूपी साइज ई लॉटरी पोर्टल से जो वन डे लाइसेंस FL11 निकलता है उसको लोग प्राप्त करें और 11,000 रुपये उसकी फीस दे करके ही ऐसे आयोजन करेंगे, जिससे कि जनपद में वैध मदिरा का सेवन हो सके और बिना लाइसेंस के कोई भी यदि शराब पिलाता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए पुलिस और प्रशासन और आबकारी तीनों इकाइयों के लिए सक्षम अधिकारियों को नामित कर दिया गया है, उनके द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाएगी और वैध मदिरा का ही सेवन होगा, ये सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला आबकारी आयुक्त ने बताया कि जो भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मैरिज हॉल या इवेंट ऑर्गेनाइजर नववर्ष पर अपने प्रतिष्ठानों पर मदिरापान कराता है तो उसके लिए जिला आबकारी विभाग से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त कर ले, अन्यथा अनाधिकृत रूप से मदिरापान कराने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जनपद में लगभग 70 होटल और रेस्टोरेंट में ऑलरेडी हमारे एक साइज के लाइसेंस हैं, जहां पर वो वैध रूप से ही मदिरा का परोसने का काम करते हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही फतेहाबाद रोड जो आगरा ताजमहल का मार्ग है, उस मार्ग पर पड़ने वाले जो भी रेस्टोरेंट हैं, कैफे हैं, रूफटॉप हैं, उन सब पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ऐसा कोई नामित और चिन्हित नहीं है जिसके ऊपर कार्रवाई का विशेष प्रयोजन हो, किंतु सामान्य रूप से सभी स्थलों की जांच की जा रही है और सब पर निगरानी रखी जाएगी। 31 दिसंबर को लेकर कुछ समय भी परिवर्तन किया गया? हाँ, 31 दिसंबर को और 24 दिसंबर को 2 दिनों में शासन के विशेष आदेश पर 1 घंटे बिक्री की अवधि बढ़ाई गई है। रात में जो 10 बजे तक होती थी उसकी बिक्री की अवधि 11 बजे तक कर दी गई है। वहीं उन्होंने बताया कि होटल संचालकों को पहले भी सचेत कर दिया गया है, किसी भी अन्य प्रांत की शराब किसी भी पर्यटक होटल में लाई जाती है तो उसका सेवन न कराया जाए, ऐसा किए जाने पर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में नियम अनुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट।